पाकिस्तान ने बड़ा टारगेट सेट कर दिया, इसमें कोई दोराह नहीं है। जी हाँ, ये सीरीज का पहला मुकाबला है और भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 123 रन। और ये जो पिच है बॉलिंग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, तो इतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले को जीत पाना। सैंसा अफरीदी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामने कप्तान रोहित शर्मा हैं और उनके साथ सुमन गिल आए हैं। और देखना होगा पहले ओवर की शुरुआत सैंसा अफरीदी किस प्रकार से करेंगे। जी हाँ, पहले ओवर की पहली बॉल करी जाएगी। ओ, इस बार पुल करने का प्रयास, कनेक्शन अच्छा बना नहीं, लेकिन ये लीजिए बॉल निकल गई है गैप में और चार रन बटोरते नजर आएंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ, कहीं ना कहीं शुरुआत तो अच्छी हो गई है भारतीय टीम की। कप्तान रोहित शर्मा हालांकि ये जो शॉट लगाया कंट्रोल में नहीं थे, ज़्यादा अच्छे से बॉल बल्ले पे आई नहीं थी, टाइमिंग भी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन देखिए पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले का फायदा तो मिलेगा। जी हाँ, भारत का स्कोर अब पहुंच गया है 4 रन 0 विकेट के नुकसान पे। 29 बालों में 119 चाहिए अब यहाँ से भारतीय टीम को। सैंसा अफरीदी, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं और इनको उम्मीदों पे खड़ा उतरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये 7 मैचों की श्रृंखला एक बार फिर से शुरुआत हुई है और ये सीरीज का पहला मुकाबला है और दोनों ही टीमों की नज़र होगी पहला मुकाबला जीत के अच्छी बढ़त बनाई जाए। और एक बार नज़र डाल लेते हैं। जी हाँ, ये देखिए पुल शॉट लगाया, एक अच्छी बात ये थी इस शॉट में कि गैप में लगाया था कप्तान रोहित शर्मा ने, तो बड़े आसानी से चौका बटोरने में सफल हुए हैं। यहाँ दूसरी बॉल और इस बॉल को फुल टॉस में किया है तब्दील और जड़ दिया है बड़ा शॉट 6 रन के लिए। जी हाँ, ये शॉट कमाल का खेला है रोहित शर्मा ने। और देखिए लगभग ये यॉर्कर बॉल थी, लेकिन इसको लो फुल टॉस में किया तब्दील और सामने की तरफ खेला। और ये जो बॉल थी बल्ले के काफ़ी ज़्यादा निचले भाग में लगी थी, लेकिन उसके बावजूद बॉल चली गई है दर्शक दीर्घा में। जी हाँ, अच्छा शॉट लगाया कप्तान रोहित शर्मा ने। और देखिए अब 10 रन पे पहुंच गए हैं, बड़ा टारगेट चेस करना है, बड़ी शुरुआत की आवश्यकता है और रोहित शर्मा बड़ी शुरुआत करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, शॉट काफ़ी अच्छा था, इसमें कोई दोराह नहीं। और देखिए भारतीय दर्शक लगातार तालियों की गूंज के साथ भारतीय टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग भी थोड़ा प्यार दिखाइए, लाइक करिए, क्योंकि ये सीरीज का पहला मुकाबला है। पिछली सीरीज भारतीय टीम ने जीती थी और इस बार पूरा प्रयास पाकिस्तान के तरफ से भी किया जाएगा। यहाँ एक बार फिर से रोहित शर्मा पुल शॉट, एक बार फिर से लगभग एक्शन रिप्ले जैसा कि पहली बॉल पे लगाया था, लगभग उसी प्रकार का शॉट। और देखिए इस बार भी शॉट ऑफ लाइन डिलीवरी। और रोहित शर्मा की एक अच्छी बात जरूर हमें देखने को मिल रही है कि शॉट को हवा में नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है अगर मेरा विकेट गया तो फिर मुश्किल होगी, इसीलिए पूरा प्रयास कर रहे हैं डाउन द ग्राउंड शॉट्स लगाने का। और देखिए क्या बढ़िया अंदाज में चौका लगाया है और 3 ही बॉल में 14 रन बना लिए हैं कप्तान रोहित शर्मा ने। और ये बढ़िया बल्लेबाजी है सैंसा अफरीदी को, रणनीति बनानी पड़ेगी बिना विकेट लिए, ये मुकाबला जीतना थोड़ा मुश्किल है। देखिए अगर आपको विकेट नहीं मिल रहे हैं तो आपका प्रयास होना चाहिए कि रन की गति को रोका जाए। जब आप रन की गति को रोकेंगे तो विकेट अपने आप मिलेंगे, क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा है और भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई चारा नहीं है, बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे। और देखिए फील्डिंग थोड़ी समझ के परे है, 5 फील्डर ऑफ साइड पर लगा के रखे हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने, सैंसा अफरीदी ने, और 4 फील्डर ऑन साइड पर। तो देखना होगा अब गेंदबाजी कहाँ पर करी जाएगी। जी हाँ, 3 बॉल में 14 रन 0 विकेट के नुकसान पे और अब 4थी बॉल करी जाएगी, सैंसा अफरीदी तैयार। यहाँ एक बार फिर से पटकी हुई बॉल और ये लीजिए फुल कर दिया, एक बार फिर से उसी जगह पे शॉट लगाया, हालांकि इस बार थोड़ा शॉट खेलने का अंदाज अलग था, लेकिन देखिए पाकिस्तान को थोड़ा समझना पड़ेगा, अगर बार बार ऐसे ही रन लौटाते रहे तो फिर मुश्किल होने वाली है इस मुकाबले में। और रोहित शर्मा, आप कितनी भी तारीफ इनकी कर दें उतनी कम है, क्या बढ़िया अंदाज से संयम से बल्लेबाजी कर रहे हैं और देखिए क्या बेहतरीन अंदाज में शॉट बटोर रहे हैं। बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, एंगल बनाया, थोड़ा सा रूम भी बनाया, बैकफुट पे भी चले गए थे और देखिए मानो पहले से तैयार थे। और अगर आप बार बार एक ही लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज प्रेडिक्टेबल हो जाता है।
जिया और दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भारतीय टीम के लिए, भारत देश के लिए एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जहन लिखिए आपका नाम, लिखिए आपके शहर का नाम और जो वीडियो के नीचे ये सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। जी हाँ, ये बड़ा मुकाबला लगातार चल रहा है, सीरीज का पहला मुकाबला। और देखिए, अभी तो सीरीज के 6 मुकाबले और आने बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भारत का एकमात्र नंबर 1 चैनल है। जी हाँ, और अब देखिए 26 में 105 चाहिए शंसा अफरीदी, इनकी क्या रणनीति रहेगी आने वाली बॉल्स पे, इस पर भी थोड़ी सी नज़र रहेगी यहाँ पे। यहाँ पहले ओवर की अब 5वीं बॉल खेलेंगे कप्तान रोहित शर्मा, तैयार हैं और देखिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। एक भी शॉट उनका अभी तक है नहीं। और ये देखिए, इस बार सिर्फ दिशा दिखाई थी लेकिन इस बार एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। और देखिए भारत का स्कोर अब पहुंच गया है 19 रन। और देखिए अब शुमन गिल पहुंच गए हैं स्ट्राइक पे, राइट हैंड बल्लेबाज हैं। और अभी भी भारत को 25 में 104 चाहिए। देखिए आसान नहीं होगा, आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए और आप लोगों का तो मैं दिल से स्वागत करता हूँ। जो लोग रोज़ हमें देखते हैं, रोज़ हमें सुनते हैं, उनका दिल से आभार अभिनंदन। शंसा अफरीदी अब अंतिम बॉल करेंगे। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण डिलीवरी होगी। ओ ये देखिए, शॉट बढ़िया खेला और ये छक्का बटोरेंगे शुमन गिल। पहली बॉल खेली और पहली ही बॉल पे छक्का जड़ दिया इन्होंने। जी हाँ, अच्छी शुरुआत करी है भारतीय टीम ने, इसमें कोई दौरा नहीं है, कोई शंका नहीं। और एक बार अगर आप नज़र डालें, ये देखिए क्या बढ़िया अंदाज में शॉट लगाया। पहला ओवर भारत के दृष्टिकोण से शानदार रहा है, लेकिन जो शुरुआत हुई है उसको लगातार निरंतरता के साथ आगे बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए 24 में 98 चाहिए। रोहित शर्मा ने 19 बनाए 5 बालों में, सामने कौन है, कप्तान रोहित शर्मा है। जी हाँ, और रोहित शर्मा, इनको चलना पड़ेगा और मुझे लग रहा है ये चलेंगे ज़रूर। यहाँ एक बार फिर से पहली बॉल, ओ ये यॉर्कर बॉल के साथ करेंगे शुरुआत, कमाल की गेंदबाजी हसन अली की। जी हाँ, निश्चित ही इन्होंने कमाल किया है, पहली ही बॉल बिल्कुल जड़ में डाली। रोहित शर्मा थोड़ा चकमा खा गया, ये देखिए ओ बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, अगर थोड़ा सा भी चूक जाते तो मैं समझता हूँ यहाँ पे LBW हो सकते थे, लेकिन बल्ले का बहुत ज़्यादा बड़ा किनारा लगा और यही कारण है कि वहाँ पे सिर्फ एक रन मिलेगा और बाल बाल बचे हैं कप्तान रोहित शर्मा। तो देखिए ओवर की बढ़िया तरीके से शुरुआत करी हसन अली ने, और अगर आप इसी प्रकार से करेंगे गेंदबाजी तो निश्चित ही आपको विकेट मिल सकते हैं। और हसन अली की बात करें तो यॉर्कर बॉल घसप की करते हैं ये। जी हाँ, विकेट चटकाने पड़ेंगे, जिम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए विकेट नहीं मिलेंगे तो फिर मुश्किल होगी। स्ट्राइक पे शुमन गिल हैं, पिछले ओवर की अंतिम बॉल पे छक्का जड़ा और इस बार भी दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पे भेजा है दर्शक दीर्घा में। और देखिए ये जो सपोर्ट मिल रहा है भारतीय बल्लेबाजों को, ये अद्भुत है मैं समझता हूँ सुमन गिल के लिए, जो प्यार यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए बाबर आजम, अब फील्डिंग में तो परिवर्तन करना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। जी हाँ, और गेंदबाज इस बार ओवर पिच डिलीवरी थी लगभग, और आउटसाइड ऑफ मानो पहले से तैयार थे सुमन गिल की लेंथ कहाँ आने वाली है, और बढ़िया अंदाज में शॉट को खेला, छक्का बटोरा। और देखिए 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे पहुंच गए हैं, अब 22 में 91 रन चाहिए भारतीय टीम को। दोस्तों ये सीरीज का पहला मुकाबला है, इसके बाद 6 और मुकाबले होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं पूरी सीरीज देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भारत का एकमात्र नंबर 1 चैनल है जहां आपको लगभग हर मुकाबले दिखाए जाएंगे। जी हाँ, और अब 22 में 91 चाहिए, और सुमन गिल का क्या अप्रोच रहेगा, देखिए स्लिप लगा के रखिए इनके लिए। एक बार फिर से लगभग उसी लेंथ पे बॉल, शॉट भी लगभग उसी प्रकार का, और ये लीजिए एक बार फिर से दर्शकों के बीच में। और देखिए पाकिस्तान की दर्शक अब तो थोड़ी परेशान नज़र आ रही है, शांत
स्वभाव के साथ बैठी हुई। और देखिए भारतीय दर्शक जोश, उमंग, उल्लास सब कुछ नजर आता हुआ। और अब 21 में 85 चाहिए। यहाँ पे देखिए सुमन गिल ने कमाल कर दिया है, ऐसी पारी खेली है आज, आते ही बिल्कुल आसान होती नहीं है लेकिन इन्होंने आसान करके दिखाया है। क्या बात है, बढ़िया अंदाज में शॉट लगाया, छक्का बटोरा। और देखिए भारत का स्कोर पहुंच गया है 38 रन। रोहित शर्मा 20 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी, तो वहीं सुमन गिल 18 पे। ये दर्शाता है इस युवा बल्लेबाज की काबिलियत। और मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये बल्लेबाज बड़ा नाम कमाएगा। जी हाँ, काबिलियत, क्षमता सब कुछ है सुमन गिल के पास। एक बार फिर से यॉर्कर बॉल करने का प्रयास, शॉट अच्छा खेला लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद, पहला रन तेजी से दौड़ा। पर मुझे लग रहा दो रन बड़े आसानी से होंगे। जी हाँ, दो रन भी बड़े प्यार से पूरे करेंगे। और देखिए बाबर आजम को, इनको पता है फील्ड में परिवर्तन कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी अगर फील्ड के अनुसार गेंदबाजी हो तो फिर फ़ायदा मिल सकता है। अभी तक मुझे उतना कुछ नज़र आया नहीं है पाकिस्तान की गेंदबाजी में, क्योंकि आप देखिए 20 में अभी भी 83 चाहिए। सुमन गिल क्या बढ़िया अंदाज में खेल रहे हैं। आप देखिए इस लेंथ पे अगर आप गौर करेंगे, ये भी लगभग यॉर्कर बॉल थी और कलाइयों के सहारे शॉट खेला लेकिन टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी और यही कारण है, लेकिन दो रन फिर भी चुरा लिए हैं। आप देखिए तारीफ करिए दोनों बल्लेबाजों की, रनिंग बिटबिंदा विकेट भी बढ़िया अंदाज में कर रहे हैं। जी हाँ, 20 में चाहिए 83। पांच भी बॉल करेंगे, स्लिप अभी भी मौजूद लेकिन इस बार फुल टॉस डिलीवरी, बड़ा शॉट 6 रन के लिए। देखिए अब रन आ रहे हैं जबरदस्त अंदाज में आ रहे हैं और अब रनों के इस, देखिए रनों को अब रोकना पड़ेगा, माफ करेगा, मैं कहना चाह रहा था कि रनों के इस बहाव को रोकना पड़ेगा पाकिस्तान को। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अभी तक असमर्थ नज़र आई है और उसका कारण भी है कि एक भी विकेट मिला नहीं है। और अगर विकेट नहीं मिलेंगे तो मुकाबला आपके हाथ से जाएगा, बिना विकेट लिए मुकाबला जीतना मुश्किल है पाकिस्तान टीम के लिए। और दोस्तों थोड़ा प्यार दिखाइए भारत के लिए, भारतीय टीम के लिए, थोड़ा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जहन लिखिए, आपका नाम लिखिए, अजय गुप्ता जी, विनोद कुमार जी, ये लोग लगातार प्यार दे रहे हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी हाँ, और जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। आप लोगों का प्यार लगातार बना रहना चाहिए। पाकिस्तान को अगर मुकाबला जीतना है विकेट चटकाने पड़ेंगे, बिना विकेट चटकाएं मुकाबला जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ, और अब दूसरे ओवर की, ओ ये अंतिम बॉल थी, मुझे लगा शायद कुछ होगा लेकिन जी नहीं, ये छक्का है। सुमन गिल ने कमाल कर दिया है, पूरे ग्राउंड में एक ही नाम एक ही शोर अब नज़र आ रहा है सुमन गिल का। क्या बढ़िया अंदाज में खेले हैं। और अब देखना होगा बचे हुए 3 ओवर में क्या भारतीय टीम रन बना पाएगी, लेकिन हरीश राफ आ गए हैं। यहाँ हरीश राफ आए हैं सामने, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है 18 में, 71 चाहिए। देखिए कुछ भी हो सकता है, हमने कई बार देखा है सिर्फ एक बॉल पूरे मुकाबले की दशा बदल सकती है। 18 में 71 चाहिए, सामने है रोहित शर्मा, पहली बॉल और ये लीजिए फिलिक किया है ऑन साइड पे और डिफेंस लेग की दिशा पे मिल जाएगा चौका। देखिए कंट्रोल में नहीं थे, अगर फील्डर वहाँ होते तो शायद कैच का मौका बन सकता था लेकिन जी नहीं, ये देखिए बिल्कुल लेग स्टंप पे थी बॉल। क्या बढ़िया अंदाज में फिलिक किया इन्होंने, ये देखिए हालांकि कंट्रोल में नहीं थे, बॉल बल्ले पे भी अच्छे से आई नहीं थी। ये देखिए बाहरी किनारा लगा, अच्छा शॉट लगाया, फील्डर वहाँ नहीं था और ये बात रोहित शर्मा भली भांति जानते थे। देखिए ये तो पहला मुकाबला है लेकिन आने वाले मुकाबलों में भी कौन बाजी मारेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, भारत का नंबर वन चैनल है ये। हरीश राफ, इनसे बड़ी उम्मीद है, एक्सपीरियंस बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस अब दिखाना पड़ेगा। 17 में 67, सामने रोहित शर्मा, एक और बड़ा शॉट, ये लीजिए लॉन्ग ऑन पे छक्का बटोरते नजर आएंगे।
और अब पहुंच गए 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे। लगातार बड़े लक्ष्य की तरफ जाने का प्रयास हो रहा है। कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा क्या बढ़िया अंदाज में खेल रहे हैं। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी, चौके छक्के लगा रहे हैं और देखिए अब रन्स लगातार आ रहे हैं। 16 में 61 चाहिए भारत को, 62 रन बना लिए हैं भारतीय टीम ने 0 विकेट के नुकसान पे। रोहित शर्मा 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे कर रहे हैं बल्लेबाजी और 16 में अब 61 रन चाहिए भारतीय टीम को। जी हाँ, रोहित शर्मा 30 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। और अगर हम नज़र डालेंगे इस शॉट पे, देखिए ये भी फुल टॉस थी और अब बिना विकेट निकालें पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला जीतना मुश्किल रहेगा और ये साफ तौर पे नज़र आ रहा है। हरीश राव को थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, गति में परिवर्तन, लेंथ में परिवर्तन, वेरिएशन तो दिखाना पड़ेगा। बिना वेरिएशन दिखाए मुकाबले में वापसी कर पाना मुश्किल है। 16 में 61 चाहिए भारत को और पाकिस्तान को चाहिए विकेट्स। क्या विकेट चटका पाएंगे या फिर रोहित शर्मा कुछ अलग करेंगे? जी हाँ, क्योंकि रोहित शर्मा के ऊपर भी सभी की निगाहें थीं और आज फिर से भारतीय कप्तान ने बढ़िया पारी खेली और ये अक्सर खेलते हैं कमाल के बल्लेबाज। ओ ये देखिए वहाँ पे कैच था लेकिन छूटा। ओ कैच छूटा था लेकिन रन आउट हो गए हैं वहाँ पे। ये बहुत बड़ी गलती हुई है। जी हाँ, वहाँ देखना पड़ेगा हुआ क्या था। ओ डायरेक्ट हिट। और देखिए सुमन गिल एक सेट बल्लेबाज क्या बढ़िया खेल रहे थे, बिल्कुल कमाल के फॉर्म में थे और उनका विकेट यहाँ से आना ये चिंताएं ज़रूर बढ़ाएगा भारतीय टीम की। जी हाँ, ये चिंताएं ज़रूर बढ़ाएगा। और देखिए वो तो रिप्ले में देखना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने बहुत ही ताकतवर शॉट लगाया था लेकिन देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी करी थी हरीश राव ने। सुमन गिल देखिए 32 पे आउट हुए हैं, नाराज तो नज़र आएंगे क्योंकि अच्छा खेल रहे थे, रन आउट हुए हैं। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं विराट कोहली। और देखिए अभी भी रन चाहिए, विराट को चलना पड़ेगा लेकिन नज़र ज़रूर डाली जाएगी उस शॉट पे। ये शॉट देखिए, ये देखिए हवा में थी बॉल, ये कैच नहीं था, माफ़ करिएगा ये कैच नहीं था, ये फील्डिंग थी लेकिन वहाँ पे रन लेने के चक्कर में विकेट गंवाया है भारतीय बल्लेबाजों ने। ये देखिए यहाँ पे 2 रन लेने का प्रयास किया था, समय था थोड़ा सा लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था कि आप 2 रन ले सको। देखिए यहाँ पे भी देखा, ये गलती मैं समझता हूँ सुमन गिल की है, वो दौड़ गए थे और रोहित शर्मा ने फिर वहाँ मना नहीं किया रन के लिए। अब 15 में चाहिए 60, एक विकेट की दरकार थी, विकेट तो मिला है पाकिस्तान को लेकिन सवाल यही है क्या यहाँ से कुछ होगा। ये लीजिए बड़ा शॉट कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से, अभी तो विकेट गिरा है लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपने धुन में मगन रहते हैं। एक और बड़ा शॉट लगाया। जी हाँ, बढ़िया शॉट और ये कमाल की बल्लेबाजी है। ऐसी ही शुरुआत चाहिए थी भारतीय टीम को। विकेट गिरने के बावजूद कोई भी बदलाव नहीं है इनकी बल्लेबाजी में। खबर तोड़ अंदाज में दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जहन लिखिए आपका नाम, लिखिए आपके शहर का नाम। जी हाँ, थोड़ा प्यार दिखाइए। जी हाँ, प्यार की आवश्यकता है आप लोगों को। और ये देखिए 14 पे चाहिए 54। रोहित शर्मा क्या बढ़िया खेल रहे हैं, एक बार फिर से कनेक्शन बना नहीं, मौका है लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करी, अच्छी डाइव लगाई और अब देखिए स्ट्राइक पे पहुंच गए हैं विराट कोहली। और दोस्तों जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जहन लिखिए आपका नाम लिखिए। और आप ज़रूर देखना चाहेंगे कि विराट कोहली कैसा खेलेंगे, कैसी शुरुआत करेंगे क्योंकि 13 में चाहिए 53 रन भारतीय टीम को। विराट कोहली क्या खाता खोल पाएंगे? देखिए ये 7 मैचों की श्रृंखला है जिसमें ये कहीं ना कहीं पहला मुकाबला है, इसके बाद 6 और मुकाबले आने बाकी हैं। अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतिम बॉल है, विराट कोहली सामने मौजूद, बाहरी किनारा, नीचे फील्डर, लेकिन
देखिए गति के चलते बॉल चली गई है दर्शक दीर्घा में, 148 की गति से फेंकी गई थी वो बॉल। जी हाँ, विराट कोहली को छक्का मिला, अच्छा खाता खोला और भारतीय टीम कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रही है कि पहला मुकाबला जीत के सीरीज में बढ़त बनाने का। नसीम शाह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और देखिए अक्सर हम जानते हैं कि ये पांचवा ओवर लेके आते हैं, लेकिन इस बार इनको चौथा ओवर दिया है और उसका कारण भी है क्योंकि रन अब ज़्यादा बचे नहीं हैं। और सामने रोहित शर्मा है, 100 रन के करीब है, कदमों का इस्तेमाल, बल्ला घुमाया और ये लीजिए 6 रन बटोरेंगे। अब तो कप्तान के द्वारा चहलकदमी भी करी जा रही है। जी हाँ, ये देखिए क्या बात है। हालांकि बॉल ज़्यादा अच्छे से बल्ले पे आई नहीं थी, लेकिन देखिए गति आप इतनी देंगे तो फिर बड़े शॉट आना तय है। नसीम शाह बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, इनको कुछ करना पड़ेगा, करिश्मा दिखाना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारतीय टीम खेल रही है इस मुकाबले में, ऐसा लग रहा मानो एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। हमने एक बार नहीं कई बार देखा है, सिर्फ एक बॉल मुकाबला पलट सकती है, लेकिन मुकाबले को पलटने का प्रयास रोहित शर्मा कर रहे हैं और ये लीजिए 50 रन पूरे कर लिए हैं इस बल्लेबाज ने। हमेशा की तरह आज भी इनका बल्ला चला है कप्तान रोहित शर्मा, धाकड़ बल्लेबाजी, अद्भुत बल्लेबाजी। 10 बॉल में 35 चाहिए, अब भारतीय टीम को 88 बना लिए हैं एक विकेट के नुकसान पे। देखिए विकेट निकालने पड़ेंगे नसीम शाह को, बिना विकेट निकाले मुकाबला जीतना पाकिस्तान के लिए दूर दूर तक मुश्किल नज़र आ रहा है। रोहित शर्मा के लिए दोस्तों एक लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए, आपका नाम लिखिए, आपके शहर का नाम। क्या बढ़िया खेल रहे हैं भारतीय कप्तान। और अब चौथे ओवर की तीसरी बॉल करी जाएगी, रोहित शर्मा 50 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का, जी हाँ, रोहित शर्मा रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं और इस ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगा दी है। और अब पाकिस्तान को अगर विकेट नहीं मिला तो आप समझ जाइए पाकिस्तान के लिए ये मुकाबला तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जी हाँ, देखिए बाबर आजम को आना पड़ा, बॉलर से बातचीत करनी पड़ रही है, लेकिन देखिए रनों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है भारतीय टीम के बल्लेबाजों द्वारा। एक बार फिर से नज़र डालिए, ये देखिए बिल्कुल तैयार थे, फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपने आप को बिल्कुल एडजस्ट किया और देखिए क्या बढ़िया शॉट ऑन साइड पे, ये तो बिल्कुल छक्का है। जैसे ही बॉल बल्ले पे लगी थी छक्के की छाप साफ तौर पे वहाँ नज़र आ रही थी। 9 में चाहिए 29 भारतीय टीम को। जी हाँ, भारत का स्कोर 94 रन एक विकेट के नुकसान पे। रोहित शर्मा 56 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी 14 बालों पे। विराट कोहली की अगर बात की जाए, एक बाल पे 6 रन, क्या बात है। किंग कोहली ने भी क्या बढ़िया अंदाज में खेल दिखाया आज। लेकिन दोस्तों लगातार लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार दिखाइए, ये सीरीज का पहला मुकाबला है, इसके बाद 6 और आने बाकी हैं। यहाँ और अब 9 में 29 रोहित कर रहे हैं 56 पे बल्लेबाजी, क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे ये देखना होगा। ओ, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच की अपील नीचे फील्डर, लेकिन जी नहीं, ये बॉल भी निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की शॉट था, आउट हो सकते थे कप्तान रोहित शर्मा, लेकिन बाल बाल बचे वहाँ पे। जी हाँ, फील्डर मौजूद थे, काफ़ी करीब से बॉल निकली ज़रूर, लेकिन 4 रन के लिए गैप में गई है बॉल। सीधे बल्ले से कर रहे हैं बल्लेबाजी। देखिए जब बल्लेबाज सीधे बल्ले से बल्लेबाजी करता है तो शॉट लगाना आसान थोड़ा सा हो जाता है। और अब देखिए 8 में 25 चाहिए, मौका अभी भी है पाकिस्तान के पास, ये ऐसा नहीं है सिर्फ भारत के पास मोमेंटम है, और जब आपके पास मोमेंटम रहता है तो बड़े से बड़ा टारगेट भी चेज हो जाता है। देखिए इस मोमेंटम को ब्रेक किया जा सकता है, सिर्फ एक विकेट निकालिए, मोमेंटम पूरी तरीके से ब्रेक होगा और फिर आपके पास मौका रहेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। और भारतीय टीम 100 रन के काफ़ी करीब, और रोहित को देखिए 60 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। आज अकेले दम पे इन्होंने बढ़िया खेल दिखाया है। और अब चौथे ओवर की 5वीं बॉल, जी हाँ,
ये अच्छा शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, रन के लिए भागे। ओ ये देखिए गलती फिर से हुई है, एम्पायर हेड एम्पायर की तरफ गए। ये क्या हुआ, ये बल्ला इन्होंने जमीन में रखा नहीं, और ये थर्ड एम्पायर, ये तो मुझे थोड़ा सा करीबी मामला लग रहा है। रोहित शर्मा कितनी बड़ी गलती करेंगे, और इस स्थिति में आके मैंने सोचा नहीं था विकेट गवाया अपना, बल्ला जमीन में नहीं था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब देखिए ऋषभ पंत आ रहे हैं, और हमने देखा है मुकाबला फंस जाता है, अभी भी 25 चाहिए। देखिए आसान नहीं है, आपको चीज़ें भले ही आसान लगती हो लेकिन देखिए आसान चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ ये अंतिम बॉल है और देखना होगा क्या ऋषभ पंत चल पाएंगे दोस्तों। लेकिन अपना प्यार दिखाइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दबाव बनाने का पूरा प्रयास है पाकिस्तान के बॉलर्स के द्वारा। और ये साफ तौर पे नज़र, ओ ये शॉट अच्छा, जी नहीं, ओ ये हो क्या रहा है भारतीय टीम के बल्लेबाजों द्वारा, ऐसी गलतियां मुझे थोड़ा समझ के परे है, ये हुआ क्या यहाँ पे, ओ ये गलती हुई, ओ ये क्या देख रहे हैं। और विराट कोहली का विकेट आना, और देखिए मैंने कई बार देखा है विराट कोहली ऐसे ही आउट होते हैं, रन आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, आज नहीं चल पाए। और अब अंतिम ओवर में चाहिए 24 रन, और पाकिस्तान ने कर ली है जोरदार वापसी, उस्मान खान आए हैं अंतिम ओवर लेके, 6 में चाहिए 24। देखिए मुकाबला फंस गया है 100 रन के काफ़ी करीब है भारत का स्कोर, जी हाँ क्या बना पाएंगे ये बड़ा सवाल है। पहली बॉल उस्मान खान करेंगे, सामने ऋषभ पंत है, बड़ा शॉट चाहिए। देखिए अगर पहली बॉल पे बड़ा शॉट आया तो शायद, ओ ये फुल टॉस, ये बड़ा शॉट, ऋषभ पंत यू ब्यूटी, कमाल की बल्लेबाजी। और मैं जितनी तारीफ करूंगा ऋषभ पंत की उतनी कम है, क्या बढ़िया अंदाज में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट, जड़ा छक्का बटोरा, क्या बात है, क्या जोरदार छक्का जड़ा है इन्होंने। और ये लीजिए बॉल जाएगी दर्शक दीर्घा में, 5 में चाहिए अब 18 रन भारतीय टीम को, क्या बना पाएगी ये बड़ा सवाल है। ये देखिए आउटसाइड ऑफ फुल टॉस डिलीवरी, देखिए यॉर्कर करना चाह रहे थे उस्मान खान, और रणनीति साफ तौर पे एक ही नज़र आ रही है कि आउटसाइड ऑफ गेंदबाजी करी जाएगी, क्योंकि आप देखिए 5 नहीं 6 फील्डर ऑफसाइड पे हैं, तो गेंदबाजी तो ऑफसाइड पे करी जाएगी, और ये तो गेंदबाज के ऊपर निर्भर करेगा क्या ये कर पाएंगे, क्योंकि देखिए हर बॉल सही ठिकाने पे करना आसान होता नहीं, और अगर आप कर पाते हैं तो आप बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाएंगे। 5 में 18 पहला मुकाबला सीरीज का, ओहो क्या खूबसूरत शॉट लगाया ऋषभ पंत ने, मैं जितनी तारीफ करूं इस शॉट की उतनी कम है। देखिए क्या बड़े प्यार से कलाइयों के सहारे भरपूर टाइमिंग थी इस शॉट में, और चौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों एक बार ऋषभ पंत के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जहन लिखिए आपका नाम, लिखिए आपके शहर का नाम। और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार लगातार बनाए रखें। 4 में चाहिए 14 रन भारतीय टीम को, और ऋषभ पंत देखिए 11 पे कर रहे हैं बल्लेबाजी, और ऋषभ पंत को चलना चाहिए था। जी हाँ ये सीरीज का पहला मुकाबला है, इसके बाद 6 और मुकाबले आने बाकी हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए एकमात्र ऐसा चैनल जहां आपको हर मुकाबले दिखाए जाएंगे। जी हाँ और अब तीसरी बॉल 5वें ओवर की, विकेट पाकिस्तान को चाहिए, और ओ ये देखिए स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, एम्पायर का सारा वाइड बॉल। जी हाँ मुझे लग ही रहा था कि ये बॉल वाइड हो सकती है, फिर से करनी पड़ेगी उस्मान खान को। जी हाँ एक बार फिर से तैयार उस्मान खान, सामने ऋषभ पंत, इस बार कदमों का इस्तेमाल, बॉल गैप में दो फील्डर के बीच में, ओ ये भी चौका है ऋषभ पंत, देखिए बिल्कुल अंडर कंट्रोल बल्लेबाजी कर रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया गैप में, बॉल को ढकेला, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनको पता है कि बॉल गैप में गई, और बॉल जब गैप में जाती है तो मौके रहते हैं, यहाँ मौका मिला। जी हाँ 114 रन भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, और अब 3 में चाहिए 9 रन, यहाँ मौका भी है दस्तूर भी है, अभी भी दोनों टीमें बाजी मार सकती हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। यहाँ नज़र डालिए शॉट पे, क्या बात है,
ऋषभ पंत। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जहीन लिखे आपका नाम, लिखे आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम। इससे हमें पता चलता है भारत के किस कोने से देख रहे हैं। सिया 9 रन चाहिए ऋषभ पंत, क्या ये कुछ कर पाएंगे या फिर उस्मान खान, इनके द्वारा कुछ किया जाएगा, लेकिन जी नहीं, ये फुल टॉस है और फुल टॉस बॉल को भेजा है दर्शक दीर्घा में। देखिए फुल टॉस बॉल कहाँ छोड़ने वाले हैं भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत। और अब देखिए धीरे धीरे ये जो मुकाबला है भारत के पक्ष में आ रहा है। जी हाँ, क्या बढ़िया अंदाज में खेल रहे हैं और 120 रन भारत के हो गए हैं। ये देखिए क्या बेहतरीन शॉट लगाया, छक्का बटोरा। जी हाँ, इसमें बिल्कुल दौरा नहीं है, 3 में चाहिए 2। देखिए अगर यहाँ पे एक विकेट मिला तो फिर 1 में 3 चाहिए रहेंगे, तो भी मुश्किल रहेगा क्योंकि भारत को फिर चौका मिनिमम चाहिए, क्योंकि 3 रन बनाने इस पिच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आउटफील्ड काफ़ी तेज है। या तो चौका मिलेगा या फिर 2 रन मिलेंगे या फिर 1 रन मिलेगा, 3 रन बनाना बहुत मुश्किल है। अगर ओवर थ्रो के रूप में मिल जाए तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी 2 में 3 चाहिए। और उस्मान खान तैयार, सामने ऋषभ पंत कीस पे कर रहे हैं बल्लेबाजी। और दोस्तों थोड़ा सा भारत के लिए लगातार प्यार करते रहिए, जो वीडियो के नीचे सफ़ेद कलर में सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाते रहिए। यहाँ जो लोग रोज़ हमें कमेंट करते हैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। और अब देखिए 5वीं बॉल करने के लिए उस्मान खान तैयार हैं, और देखना होगा उस्मान खान 5वीं बॉल कहाँ करेंगे। ये बहुत करीबी मामला, ओ ये कैच देखिए, अद्भुत कैच पकड़ा है उस्मान खान ने, करा दी है पाकिस्तान की वापसी। और देखिए बाबर आजम काफ़ी खुश नजर आए वहाँ। ओ ये देखिए बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, बॉल बल्ले पे नहीं आई, पहले बल्ले पे आई फिर पैड पे आई। ओ ये कैच देखिए, एक हाथ से कैच पकड़ के मुकाबला पलटाया, लेकिन ऋषभ पंत अपना काम करके तो गए हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी थी अंतिम बॉल पे मुकाबला जिता सकते थे, लेकिन अभी भी मौका है भारत के पास। शिवम दुबे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, सामने श्रेयस अय्यर हैं, और उस्मान खान क्या विकेट चटका पाएंगे या फिर श्रेयस अय्यर कुछ करेंगे। श्रेयस अय्यर ने बड़ा शॉट लगाया, हवा में बॉल है, नीचे फील्डर नहीं है। ओ ये तो 6 रन है जी हाँ, ये 6 रन है। और यहाँ पे श्रेयस अय्यर ने छक्का चढ़ के ये मुकाबला जिता दिया है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आने वाले सीरीज के 6 और मुकाबले देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंडिया ने बेहतरीन अंदाज में 1 विकेट से मुकाबला जीता है। आप लोगों का जुड़ने के लिए